नमस्कार। आज हम हमारे वैदिक मैथ्स की इस अंतर से अनंत की यात्रा में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है विनकुलम, उसके बेसिक के बारे में जानेंगे। मतलब वो चैप्टर अगर हमको समझना हो तो मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स हमको पता होने चाहिए, और उस बेसिक रूल्स को हम एक बार आज देख लेते हैं। पहला है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, मींस वो नंबर नेगेटिव हो और पॉजिटिव भी हो, उस नंबर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना हो, तब हमने अब तक देखा है कि हम क्या करते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा हम याद रखते हैं। यही रूल्स सेम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, मींस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है और ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। उसको नेग्लेक्ट करने के लिए हमने इसी रूल्स को सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, पहले देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को अगर हम देखें कि हमको 3 और 4 का प्लस करना है, तो फ्रेंड्स यहां पे 3 की कोई साइन नहीं है। अगर 3 की कोई साइन नहीं है, डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस होती है। ओके, दोनों की साइन कैसी हो गई, प्लस। दूसरा समझे, 3 माइनस 4 हो तो, इफ सेम 3 की कोई साइन नहीं तो प्लस, और ये माइनस किसका है, 3 का है या 4 का है, 4 का। हम कैसे याद रखेंगे, एलिफेंट की ट्रंक कहां पे होती है, आगे की साइड होती है। इसी तरह डिजिट की साइन कहां पे होगी, आगे की तरफ होगी, मतलब ये नेगेटिव है वो 4 की साइन होगी। अभी फ्रेंड्स समझे, इस तरह से होता तो 3 की साइन माइनस और 4 की साइन प्लस, एंड लास्ट वन दोनों नेगेटिव। अभी फ्रेंड्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आता है सेम साइन एडिशन, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन। बस ये दो सेंटेंस में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के सारे रूल आ गए। क्या, सेम साइन एडिशन, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन। सेम साइन एडिशन, सेम यानी क्या, या दोनों की साइन प्लस हो या दोनों की साइन माइनस हो। तो यहां हम देख लेते हैं, तो यहां पे 3 और 4 दोनों की साइन कैसी है, प्लस, और यहां पे दोनों की साइन कैसी है, माइनस, मींस दोनों की सेम साइन है। जब सेम साइन हो तब डिजिट का प्लस कर दो, तो यहां पे 3 प्लस 4 7, और यहां पे भी 3 प्लस 4 7 कर दिए। ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन, और जब अलग अलग साइन हो, मींस ऑपोजिट साइन हो, एक प्लस तो एक माइनस, या पहली प्लस तो दूसरी माइनस, तब डिजिट का सब्ट्रैक्शन करना है, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन, मींस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में से 3 जाएंगे तो 1, यहां पे क्यों, ये प्लस है ये माइनस है इसलिए ऑपोजिट साइन, यहां पे ये माइनस है ये प्लस है तो ऑपोजिट साइन, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन, 4 में से 3 गए तो 1। हमने उसका आंसर रख दिया। अभी बारी आई साइन की, कौन सी साइन रखे, प्लस रखे या माइनस रखे। तो बड़े डिजिट की साइन, वर्ड क्या है, सेम साइन एडिशन, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन, एंड बिगर डिजिट साइन, जो बड़ा है उसकी साइन। यहां पे इस दोनों में हम देखने जाए तो कौन बड़ा है, 4, 4 की साइन क्या है, प्लस, तो ये क्या आएगा, प्लस। यहां पे कौन बड़ा है, 4, 4 की क्या साइन है, माइनस, तो यहां पे माइनस। यहां पे भी 4 बड़ा है, प्लस है तो प्लस, यहां पे 4 बड़ा है, माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से हमको आंसर मिला। तो यहां पे फ्रेंड्स प्लस 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 माइनस माइनस वो कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। सेम साइन एडिशन, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन, वो करने के बाद आंसर लिख दो, एंड बिगर डिजिट साइन, दोनों में जो बड़ा है उसकी साइन रख दो। ओके, तो ये फ्रेंड्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल हुए। अभी दूसरा रूल, मैथ्स का दूसरा बेसिक कंसेप्ट, मल्टीप्लीकेशन डिविजन के रूल। अभी ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन के रूल में क्या करना है, तो मल्टीप्लीकेशन डिविजन में भी हम यहां पे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिविजन में क्या है। समझो, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है, दोनों की कोई साइन नहीं है तो दोनों की साइन क्या आएगी, प्लस, मींस प्लस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 4 के साथ करना है। बाद में देखिए तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करना है,
माइनस थ्री का मल्टीप्लाई प्लस फोर के साथ करना है और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस फोर के साथ करना है, क्योंकि ये चार कंडीशन खड़ी होती है। अभी ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन के जो रूल है उसमें हमने अब तक क्या देखा है, क्या सीखा है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ओके। तो ये दोनों रूल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमने ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन के लिए सेंटेंस फॉर्म बनाया, ओड टाइम नेगेटिव इवन टाइम पॉजिटिव। वो कैसे यूज करना है, तो पहली बात, मल्टीप्लीकेशन हो या डिविजन हो उसके आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर लिख दो। यहां पे दोनों की साइन प्लस हो या दोनों की साइन माइनस हो या एक प्लस एक माइनस, उसका जो आंसर है मतलब वो डिजिट है पर्टिकुलर, फाइनल आंसर में फर्क पड़ेगा लेकिन पर्टिकुलर जो डिजिट है 1 2 3 4 5 उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीन्स 3 4 12, यहां पे भी 3 4 12, यहां पे भी 3 4 12 और यहां पे भी 3 4 12, मतलब आंसर का जो डिजिट है उसमें कुछ फर्क नहीं है, नो चेंज। अभी यहां पे साइन कर देते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा रूल है ओड टाइम नेगेटिव इवन टाइम पॉजिटिव, मतलब ओड और इवन क्या लेना है, तो यहां पे नेगेटिव की साइन कितनी बार है वो काउंट करो। अगर नेगेटिव की साइन ओड टाइम में है मींस एक ही डिजिट में है 1 3 5 7 9, ओके, तो आपको नेगेटिव की साइन रखनी है। और अगर नेगेटिव की साइन इवन है मींस एक ही डिजिट में है 2 4 6 8 0, तब आपको प्लस की साइन रखनी है। तो पहले में दोनों में प्लस है मींस नो टाइम नो जीरो नो नेगेटिव मींस जीरो टाइम्स नेगेटिव, जीरो टाइम्स नेगेटिव यानी क्या आएगा प्लस, यहां पे नेगेटिव एक बार 1 मींस ओड हो तो नेगेटिव, यहां पे भी एक बार नेगेटिव है, यहां पे मींस एक बार हो तो नेगेटिव, यहां पे देखने जाए तो दो बार है 2 मींस इवन मींस पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आएगा प्लस। तो ओड टाइम नेगेटिव इवन टाइम पॉजिटिव, इसमें आपको कहीं पे प्लस 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 माइनस माइनस वो करने की जरूरत नहीं है। समझो एक एग्जांपल लें, -1 × -2 × -3, तो फ्रेंड्स नेगेटिव की साइन देखे बिना मल्टीप्लीकेशन है इसलिए इसका आंसर लिख दो 1 2 2 2 3 6 आंसर आया। अभी साइन को काउंट करो, नेगेटिव साइन कितनी टाइम्स है, माइनस की साइन कितनी बार है, माइनस की साइन 1 2 और 3, 3 टाइम्स, 3 मींस ओड, ओड मींस नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव लगा दो आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 × -3 × -4 × -1, तो यहां पे कोई साइन नहीं तो प्लस, यहां पे भी कोई साइन नहीं तो प्लस, ओके। चारों का मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6 6 4 24 24 1 24, आंसर लिख दिया 24। अभी नेगेटिव कितनी बार है, यहां पे तो नहीं है 1 और 2, दो बार नेगेटिव है, 2 मींस इवन मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी प्लस, प्लस को ना लिखे तो चलता है हमारा आंसर आ गया, और लिखे तो भी चलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से नेगेटिव की साइन कितनी बार है वो काउंट करके मल्टीप्लीकेशन डिविजन के रूल्स हम समझ सकते हैं और इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं। मैथ्स का तीसरा बेसिक कंसेप्ट, ब्रैकेट को ओपन करना। ब्रैकेट जब आए तब तो उसको ओपन किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए समझ लें कि एक्स प्लस वाई इस तरह से दिया गया है, ओके। दूसरा हम ले लें माइनस एक्स प्लस वाई दिया गया है, तीसरा हम ले लें माइनस एक्स माइनस वाई दिया गया है, और फोर्थ वन अगर हम ले लें एक्स माइनस वाई दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहां पर देखा था कि भाई डिजिट के आगे कुछ नहीं दो प्लस, तो इसी तरह से यहां पे x के आगे कुछ नहीं दो प्लस, यहां पे भी x के आगे कुछ नहीं दो प्लस, मींस ये ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उसमें हमने सभी वेरिएबल को कोई ना कोई साइन दे दी, इसमें हमने प्लस दे दी, यहां पे माइनस, इस y की साइन क्या है माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, ओके। अभी फ्रेंड्स अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन हो तब अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो नो चेंज, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ऑल चेंज। रूल बना, स्टेटमेंट बना, आउटसाइड प्लस नो चेंज, आउटसाइड माइनस ऑल चेंज, बाहर प्लस नो चेंज, बाहर माइनस ऑल चेंज।
अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो कोई भी वेरिएबल है या डिजिट है उसकी साइन में चेंज नहीं होगा। मींस ये ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो प्लस एक्स के प्लस एक्स और प्लस वाई के प्लस वाई जैसे है वैसे ही रहेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो ऑल चेंज में क्या होता है, प्लस है वो माइनस बन जाता है और माइनस है वो प्लस बन जाता है। मींस बाहर माइनस ऑल चेंज, ये माइनस एक्स है वो बन जाएगा प्लस एक्स, मींस एक्स की साइन माइनस है तो वो क्या हो गई प्लस, और वाई की साइन प्लस है तो वो क्या हो जाएगी माइनस, ऑल चेंज। यहां पर हम देखने जाए तो समझो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो क्या रख देते हैं हम, समझो प्लस है तो बाहर प्लस नो चेंज, बाहर प्लस नो चेंज जैसे है वैसे। x की साइन क्या है माइनस, तो यहां पे माइनस लगा दिया। यहां पे y की साइन क्या है माइनस, वहां पे भी माइनस लगा दिया। बाहर माइनस नो सॉरी बाहर प्लस नो चेंज, समझो यहां पे प्लस होता तो भी नो चेंज, तो प्लस x के प्लस x और y माइनस y के माइनस y। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ लें x माइनस वाई माइनस जेड और बाहर हमने क्या रखा है माइनस, तो बाहर x की साइन कुछ नहीं तो क्या है, पहले तो हम x की साइन कुछ नहीं है तो प्लस कर देते। अभी बाहर माइनस ऑल चेंज, बाहर माइनस ऑल चेंज तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस y और ये माइनस z क्या बन जाएगा प्लस z। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने यहां पे कहीं पे भी हमारा जो हमने अब तक देखा है प्लस 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 माइनस माइनस वो हमने यूज नहीं किया। ब्रैकेट को किस तरह से ओपन करते हैं उसका एकदम इजी स्टेटमेंट लिया, फिर से समझ लेते हैं। बाहर प्लस नो चेंज, बाहर माइनस ऑल चेंज। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के डिजिट का वेरिएबल के किसी की भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबकी साइन चेंज करो। फिर से एक बार देख लेते हैं, समझ लो x माइनस वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू प्लस एक्स ऐसा कुछ दिया है और बाहर माइनस है, तो बाहर जब माइनस हो तो ऑल चेंज, पहले x की साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो ऑल चेंज में क्या बन जाएगा प्लस x क्या हो गया माइनस x, माइनस y क्या बन गया प्लस y, प्लस z क्या बन गया माइनस z, माइनस w क्या बन गया प्लस w, और यहां पे समझो हम a रख देते हैं तो प्लस a क्या बन गया माइनस a। इसी तरह समझो सेम क्वेश्चन में हम बाहर रख देते हैं प्लस, बाहर अगर हमने प्लस रखा तो क्या हुआ नो चेंज, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही साइन रहेगी। मींस प्लस x के प्लस x, माइनस y के माइनस y, प्लस z के प्लस z, माइनस w के माइनस w और प्लस a के प्लस a। बाहर प्लस नो चेंज, बाहर माइनस ऑल चेंज। फ्रेंड्स ये इक्वेशन जब हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे उसमें बहुत काम आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना है। फिर से प्लस माइनस के रूल में हम देखें तो सेम साइन एडिशन, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर डिजिट की साइन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ओड टाइम नेगेटिव, इवन टाइम पॉजिटिव। डिवीजन में भी फ्रेंड्स सेम रूल आएगा, समझ लो मैं एक डिवीजन का आंसर लिख दे भाई माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई माइनस टू, तो पहले 12 और 2 का डिवाइड कर दो, 12 और 2 का डिवाइड क्या आया 6, आंसर लिख दिया। ओके अभी नेगेटिव साइन कितनी बार है, दो बार है, मींस इवन मींस प्लस, प्लस ना लगाए तो चलेगा और लगाओ तो भी चलेगा। समझो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से कर लेते हो, मींस इस तरह से होता तो 12 डिवाइड बाई 2 डिजिट सेम है, मींस आंसर सेम ही आएगा। बट अभी नेगेटिव कितनी बार है, एक बार नेगेटिव है, मींस ओड टाइम नेगेटिव, ओड टाइम नेगेटिव मतलब माइनस, तो माइनस याद रख दो। तो इस तरह से फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन डिविजन में ओल्ड टाइम नेगेटिव, इवन टाइम पॉजिटिव, और ब्रैकेट के रूल्स में ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस होती है और अगर साइन प्लस होती है तो नो चेंज, मींस ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसकी साइन में कुछ चेंज नहीं होता, और अगर बाहर माइनस है तो ओल्ड चेंज, मींस प्लस है वो माइनस बन जाएगा और माइनस है वो प्लस बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इस रूल्स को समझना है क्योंकि ये एकदम काम आएंगे आगे हमारे जो वैदिक मैथ की जो ये यात्रा चल रही है उसमें ये रूल्स एकदम काम आने वाले हैं। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।